हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 1857 का विद्रोह, द रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड इस पार्ट में, जैसे कि ये भाग एक है, हम इस टॉपिक को, द रिवोल्ट ऑफ 1857, तीन पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एंड इस पर्टिकुलर पार्ट में वी विल सी द बिगिनिंग, स्प्रेड एंड सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट। जो हमारा फ्लो रहेगा इसके डिस्कशन में, जैसे कि सबसे पहले हम बिगिनिंग, स्प्रेड एंड सप्रेशन, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड अपने नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ द हैपनिंग ऑफ दिस रिवोल्ट, कि ये रिवोल्ट हुआ क्यों। एंड फिर हम देखेंगे कि ये रिवोल्ट फेल हो गया था, तो ये फेल क्यों हुआ, द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट एंड द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ दिस रिवोल्ट। एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आउटकम, कि इसका रिजल्ट क्या रहा बिकॉज ऑफ दिस रिवोल्ट, एंड ये रिवोल्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मैनी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक ऑनवर्ड्स, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। इससे पहले के टॉपिक्स भी पढ़ना ज़रूरी है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए, बट इस टॉपिक के ऑनवर्ड्स जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसीलिए हम पहले इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले कि ये रिवोल्ट कैसे हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क रहा हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। एंड ये कोई ऐसा रिवोल्ट नहीं था कि जो एक दिन में हो गया और किसी भी एक वजह से हो गया, ये एक ऐसा रिवोल्ट था जो एक सडन इवेंट ना होके, इट वॉज अ ग्रेजुअल इवेंट विच रिजल्टेड इन टू दिस रिवोल्ट। और ये किसी पर्टिकुलर एरिया में, ये नहीं था कि किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर रीजन में ये लिमिटेड हो, ये रिवोल्ट की जो पूरी आग थी एक वास्ट एरिया में स्प्रेड हुई थी, इसीलिए द रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 कोई एक सडन इवेंट नहीं था, ये नहीं था कि किसी एक वजह से ये रिवोल्ट हो गया और एकदम से रिवोल्ट हो गया एक पर्टिकुलर रीजन में, जिसकी पहुंच दूर दूर तक थी, चाहे हम पंजाब के कुछ एरियाज लें, या फिर हम साउथ में महाराष्ट्र तक रीजन्स लें, या हम राजस्थान तक के भी कुछ रीजन्स लें, और सेंट्रल लखनऊ, कानपुर, ये तो इन्वॉल्व काफ़ी हद तक थे, और दिल्ली तो था ही इन्वॉल्व इस रिवोल्ट में। सो ओवरऑल ये रिवोल्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें एक वास्ट एरिया कवर किया, दूर दूर तक ये रिवोल्ट फैला, और एक ये ग्रेजुअल आउटकम था बहुत सारी सफरिंग्स का, उस वक्त के भारतवासी जो इस रीजन में रह रहे थे उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, जो वो फील कर रहे थे, उसका आउटकम जो था ये एक रिवोल्ट था। शुरू में सिर्फ एक सिपाही म्यूटनी टाइप, एक मिलिट्री ने रिवोल्ट किया है ऐसा दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने अंदर हर प्रकार के लोगों को सम्मिलित कर लिया, चाहे वो फिर फार्मर्स हो, चाहे वो लेबरर्स हो, या आर्टिजन्स हो, या ट्राइबल्स हो, या सोल्जर्स हो, हर कोई जिसको जो प्रॉब्लम थी उसने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करके उसको सामने लाने की कोशिश की, उसका एक तरह से बदला लेने की कोशिश की। और कई इंडियन स्टेट्स ने भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो प्रेजेंस इंडिया में 1612 ऑनवर्ड्स इस्टेब्लिश किया था, और वो पहले फैक्ट्री एरियाज़ को एडमिनिस्टर करते थे। फैक्ट्री एरिया कोई ऐसा एरिया नहीं होता था जिसमें कोई चीज़ें बनती थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ब्रिटिश की जो फैक्ट्रीज होती थी, क्या उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती थी, कुछ चीज़ें बनती थी? नहीं, ऐसा नहीं होता था। यूजली सिर्फ एक ये ऑफिशियल्स होते थे वहाँ पे, जिनका मेन काम होता था टू एडमिनिस्टर द ओवरऑल ट्रेडिंग इन द पर्टिकुलर रीजन, तो उधर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। फिर उससे पहले द बैटल ऑफ प्लासी, जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा 1757 में, उससे ब्रिटिशर्स का, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, इन द ईस्टर्न इंडिया में, द बैटल ऑफ प्लासी। इस बैटल के बारे में भी हम पढ़ेंगे और अच्छे से।
because we will cover up whole topics. और फिर वहाँ से इन्होंने अपने आप को expand करना शुरू किया. बॉम्बे में, मेड्रास में, दीज वर द मेजर regions जहाँ पे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को establish करना, अपने आप को फैलाना शुरू किया. अगर हम हिस्ट्री देखें ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ओवरऑल उनका जो हिस्ट्री रहा है वो है अपना साम्राज्य को विस्तार करना, बढ़ाना उसे, और साथ में ही अपने आर्थिक लाभ को प्राप्त करना. जैसे कि भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, बहुत प्रॉस्पेरिटी थी इंडिया में. यही सब देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक लक्ष्य बनाया. एक तो था आर्थिक लाभ प्राप्त करना, दूसरा था अपने साम्राज्य को और बढ़ाना. हालांकि शुरू में ये एक सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे ही आई थी, इनका काम अपना एम्पायर्स इस्टैब्लिश नहीं करना था, लेकिन विद टाइम जब उन्होंने देखा कि उनको और प्रॉफिट होगा अगर वो अपना एक एम्पायर, एक अपना राज्य स्थापित कर लेंगे भारत में, तो उन्होंने अपना लक्ष्य को बदलते हुए अपना साम्राज्य को विस्तार करना भी एक लक्ष्य बना लिया. मेजर टर्न आया 19th सेंचुरी के बाद, जब गवर्नर जनरल वेलेस्ली आए. उस वक्त पे कंपनी का टारगेट बन गया टू एक्सपैंड कंपनी टेरिटरी. तो दो डिकेट्स में, द टू डिकेट्स वर ऑफ एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ कंपनी टेरिटरीज. हम गवर्नर जनरल्स के ऊपर भी एक वीडियो करेंगे जिसमें हम सभी गवर्नर जनरल्स की बात करेंगे, उनकी पॉलिसीज की बात करेंगे, और जो मेजर इवेंट्स इनके टाइम पे हुए थे वो भी हम डिस्कस करेंगे. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा. इनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, UPSC एज वेल एज स्टेट सिविल सर्विसेज, और जो भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिस्ट्री पार्ट होता है सिलेबस का, वहाँ पे ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब क्या हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना टारगेट एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन का बनाया, तब जो लोग भारत में रह रहे थे उनके लिए ये एक बहुत डिफिकल्ट टाइम शुरू हो गया, एक डिससेटिस्फेक्शन शुरू हो गया. Because of this dissatisfaction, it resulted in the revolt of 1857. This was the result because expansion की वजह से जो problems भारतवासियों ने face करे, चाहे वो social problems हो या religious problem हो, चाहे वो economic problem हो, यही सब problems की वजह से, यही सब sufferings की वजह से ये revolt हुआ था 1857 का. And we will discuss about it in our next video, जिसमें हम causes discuss करेंगे कि main क्या cause था, क्या reason था, किस वजह से ये revolt 1857 का हुआ. इसके बाद हम देखते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ दिस टाइम, लॉर्ड डेलाउजी एंड लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड डेलाउजी के बारे में क्यों हम जानना चाहेंगे, बिकॉज अगर आप इनका टाइम पीरियड देखोगे 1848 से लेके 1856 तक, यानी कि रिवोल्ट से जस्ट थोड़ा पहले ही, तो जो भी कॉजेज थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ था वो इनके टाइम पे हुआ होगा, ठीक है. इनकी पॉलिसीज कुछ ऐसी रही होगी जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डेलाउजी, जिनका टाइम फ्रेम था 1848 से लेके 1856 तक, ही रिमेन्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. अंडर हिम द ब्रिटिश फॉलोड एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इन इंडिया, और इस पॉलिसी के अंडर एक डिजाइन करी थी पॉलिसी लॉर्ड डेलाउजी ने. वो पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, दैट वॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ये पॉलिसी जो है इसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया. और वो क्यों था, बिकॉज हम इस पॉलिसी को डिस्कस करेंगे डिटेल में आफ्टरवर्ड्स, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस पॉलिसी के अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये था कि अगर एक कोई डिपेंडेंट स्टेट है, इंडियन स्टेट है, उसका रूलर चाइल्डलेस उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि कोई वारिस नहीं है, तो उस स्टेट को अनेक्स कर लिया जाएगा, यानी उस स्टेट के ऊपर ब्रिटिश राज्य हो जाएगा, एंड जो रूलिंग पावर होगा उस स्टेट का वो लैप्स हो जाएगा. इट विल कम अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इट विल बी अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. सो इट प्लेड अ मेजर रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. बट इस एक्सपेंशन की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से, इट लेड टू लॉट ऑफ ट्रिब्यूलेशन एंड डिसकम्फर्ट फॉर द इंडियन पीपल. एंड जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो है
झांसी का, जो युद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, वो इसी रीजन की वजह से था. द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. और सिर्फ यही नहीं, हम आगे जब इवेंट्स पढ़ेंगे तो वी विल सी दैट इट प्लेड अ मेजर रोल इन द डिसकम्फर्ट ऑफ द इंडियन स्टेट रूलर्स, एंड जिनकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट किया था, जिनकी वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द रिवोल्ट ऑफ 1857. दूसरे इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग. इनका टाइम पीरियड आप देखो 1856 से लेके 1858 तक. देखिए ये टाइम पीरियड जाने की ज़रूरत क्यों है, ये टाइम पीरियड जाने की ज़रूरत ये है कि हमें इससे पता चल रहा है कि रिवोल्ट जब हो रहा था उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था. उस टाइम पे थे लॉर्ड कैनिंग, थे जस्ट पहले लॉर्ड डेलहौजी. एंड उस टाइम पे जब रिवोल्ट हुआ था, द रिवोल्ट ऑफ 1857, इट टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज टाइम. हालांकि हमने जैसे कि शुरू में ही बोला कि ये रिवोल्ट कोई सडन रिवोल्ट नहीं था, एक दिन की बात नहीं थी, एक ग्रेजुअल पीरियड था. इस रिवोल्ट से पहले कई सारे छोटे छोटे रिवोल्ट्स और पर्टिकुलर एरियाज में रिवोल्ट होते रहे थे 1857 से लेके 1856 तक, चाहे वो एक पर्टिकुलर रीजन के रिवोल्ट हो, रिलीजियस रिवोल्ट हो, सोशल रिवोल्ट हो, मिलिट्री में रिवोल्ट हो, तो वो अलग अलग वे में होते रहे. फर्क क्या था उन रिवोल्ट्स और 1857 में, 1857 एक मेजर बड़ा रिवोल्ट था जो हर जगह हो रहा था. जो इससे पहले के रिवोल्ट थे वो पर्टिकुलर रीजन्स में होते थे, उनका एक पर्टिकुलर टॉपिक होता था. लेकिन 1857 के रिवोल्ट में इट वॉज अ मल्टीलेटरल काइंड ऑफ अ रिवोल्ट. और इनमें से जैसे कुछ रिवोल्ट्स हैं, जैसे 1770 में फकीर और सन्यासी रिवोल्ट हुआ, देन इसके बाद वहाबी रिवोल्ट भी हुआ, पहले बक्सर वॉर हुई थी, राजा दीवान वेलू थम्पी और त्रावणकोर इनका रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट इन वेलोर में हुआ था, संथल रिवोल्ट हुआ था 1828, एंड रेजिमेंट रिवोल्ट इन द पंजाब. ये जो पूरा टॉपिक है इसको भी हम एक वीडियो में एज अ टॉपिक, एज अ चैप्टर डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ रिवोल्ट, रिलीजियस रिवोल्ट्स जो जो इम्पॉर्टेंट हुए थे, उनका रीज़न क्या रहा था, उनके लीडर्स कौन थे, वो हम एक अलग से वीडियो में, अलग से टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट दी संथल एंड फकीर एंड सन्यासी रिवोल्ट, और इसके अलावा और भी रिवोल्ट, रिलीजियस, सोशल, सोशो इकोनॉमिक, ऑल काइंड्स ऑफ रिवोल्ट. सो आप देखोगे कि बहुत सारे रिवोल्ट पहले से होते आ रहे थे, एंड फ़र्क ये था कि 1857 में इसने एक वास्ट एरिया को कवर किया और मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज उनको इसने कैटर किया, उनको इसने सम्मिलित. अब रिवोल्ट की शुरुआत कैसे हुई, हाउ द रिवोल्ट बिगिन, द बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट. एंड बिगिनिंग में हम कहते हैं कि रिवोल्ट की जो शुरुआत हुई थी वो सिपाही म्यूटनी से हुई थी. और इमीडिएट कॉज, जिसे हम कॉजेज में मेजर कॉजेज करेंगे, एंड वी विल डिस्कस दिस कॉज आल्सो इन डिटेल. यहाँ पे ये स्टोरी है कि सिपाही म्यूटनी जो है दैट वाज द मेन इमीडिएट कॉज ऑफ दिस रिवोल्ट. एंड स्टोरी ऐसे है कि सिपाही म्यूटनी क्यों हुई थी, जो मेजर कॉज ये रहा था कि जब लॉर्ड कैनिंग की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जनवरी 1857 में एक न्यू काइंड की कार्ट्रिज, एक राइफल इंट्रोड्यूस की, एनफील्ड राइफल, जिसमें यूज्ड होती थी ग्रीस्ड कार्ट्रिज. पहले जो होती थी दैट वाज अ ब्राउन बेस, जो ग्रीस होती थी, जो चर्बी होती थी वो काओ और पिग की है. एंड दोनों ही इस वजह से इट वॉज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स. एंड इन ग्रीस्ड कार्ट्रिज को यूज़ करने का जो तरीका था, ये चर्बी युक्त कारतूसों को कैसे यूज़ किया जाता था, इसमें कारतूस लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था, और अगर वो दांत से खींचेंगे तो जाहिर तौर पे काओ और पिग का फैट जो है वो उनके मुंह में जाएगा. तो इट वाज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटीमेंट्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स. एंड ये एक रीज़न बना, उन्होंने इनकार किया क्योंकि ये उनके अगेंस्ट था, इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट था कि वो ऐसे राइफल्स को, ऐसे ग्रीस कार्ट्रिज को, ऐसे कारतूसों को यूज़ नहीं करेंगे. और मेन जो ट्रबल है वो यहीं से शुरू हुआ. सबसे पहले ओवरऑल डिसऑर्डर फैला था, वो था बैरकपुर कैंटोनमेंट में, बैरकपुर छावनी में, बंगाल में, जिसकी वजह से वहाँ एक टुकड़ी ने, एक सेना की एक टुकड़ी ने रिवोल्ट किया, लेकिन उस ओवरऑल टुकड़ी को सप्रेस कर दिया गया और भंग कर दिया गया. फिर बहरामपुर में कुछ सिपाहियों ने चर्बी वाले इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया.
कैनिंग ने इस पूरी टुकड़ी को भी रद्द कर दिया। बट जो पहली मेजर घटना हुई वो हुई थी 29 मार्च 1857 को, एंड इस इंसिडेंट के जो हीरो रहे वो थे ये मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया, इन्होंने ना सिर्फ इन कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से मना किया बल्कि अपने ऑफिशियल्स को, अपने अधिकारी सर्जेंट ह्यूसन एंड लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार के उनकी हत्या कर दी। ये बैरकपुर आर्मी में एक जवान थे, एक सिपाही थे, और इस इंसिडेंट की वजह से एंड कोर्ट ने ये डिसीजन लिया, इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। सो ये एक मेजर इंसिडेंट रहा। जब भी हम स्टार्ट की बात करते हैं तो मंगल पांडे इनका नाम ज़रूर आता है। ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट रहा एंड इनके जो मेजर हीरो रहे वो मंगल पांडे रहे, लेकिन रिवोल्ट का स्टार्ट हम कहते हैं 10 मई 1857 से, जब ये न्यूज़ ग्रीस्ट कार्ट्रिज की मेरठ पहुंची। द रिवोल्ट स्टार्टेड ओवर देयर, जिसमें कोई 85 से 90 कुछ सोल्जर्स उन्होंने रिवोल्ट किया, उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया, कुछ ऑफिशियल्स को भी मार दिया एंड दे स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली, दिल्ली जाने के, बिकॉज दिल्ली एक सेंटर था उस टाइम पे, मुगल साम्राज्य था, ओवरऑल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अभी भी लोगों के मन में ये था कि जो उनका एम्परर है, जो सम्राट है, वो मुगल सम्राट है। और उस टाइम पे मुगल सम्राट कौन था, वो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। सो 10 मई को ये रिवोल्ट हुआ था मेरठ में, जिसे हम कहते हैं स्टार्ट ऑफ रिवोल्ट। एंड इस 10 मई को जो दिन था वो था संडे, जब ये स्टार्ट हुआ था रिवोल्ट। एंड जो म्यूटिनियर्स थे, जो रेबल्स थे, विद्रोही थे, उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया 12 मई को। बहादुर शाह जफर को फिर से डिक्लेयर कर दिया एज द एम्परर ऑफ इंडिया। बहादुर शाह जफर वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया। ये एक वॉयलेंट रिवोल्ट रहा। इसके टाइम पे जो पॉलिटिकल एजेंट उस वक्त दिल्ली में था, साइमन फ्रेजर, उसकी भी हत्या विद्रोहियों ने कर दी। और साथ ही उस टाइम पे जो ओवरऑल वेपन्स को कमांड कर रहा था वहाँ पे, लेफ्टिनेंट बिलोबी, सीइंग द ओवरऑल सिचुएशन कि कितना वॉयलेंट रिवोल्ट है इस टाइम पे, ही वॉज नॉट एबल टू पुट अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन फ्रंट ऑफ द रिवोल्टर्स। वो इनके सामने उसने ज़्यादा विद्रोह नहीं किया। बहादुर शाह जफर वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया, बट ही वॉज ऑफ एन ओल्ड एज पर्सन, वो इतना लीडरशिप संभाल नहीं पाते। तो रियल कमांड जो रही दिल्ली में वो किसके अंडर थी, इट वॉज अंडर भक्त खान। यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर, याद रखने के लिए। जो ओवरऑल जो रियल कमांड थी वो एक टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी के अंडर थी, जिसका रियल कमांडर कौन था, जनरल भक्त खान। तो दिल्ली का जो ये विद्रोह था, इसमें जो रिवोल्टर्स थे वो सफल रहे, दे वर एबल टू ऑक्यूपाई, दे वर एबल टू सीज दिल्ली। एंड जिस वजह से इस रिवोल्ट के बाद, बिकॉज कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, इस रिवोल्ट के बाद कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर, अलीगढ़, झांसी, इलाहाबाद, ग्वालियर, इन सभी रीजन्स में धीरे धीरे रिवोल्ट फैलता गया, धीरे धीरे विद्रोह फैलता गया। एंड सबसे पहले हम पढ़ेंगे लखनऊ के बारे में, जहाँ पे विद्रोह शुरू हुआ था 30 मई 1857। सो द फर्स्ट मेजर रिवोल्ट टुक प्लेस इन लखनऊ एंड इट स्टार्टेड ऑन 30 मई 1857। लखनऊ में जो लीडर रही रिवोल्ट की, शी वॉज द लेडी बेगम हजरत महल, द बेगम ऑफ अवध। शी वॉज द वाइफ ऑफ लास्ट नवाब ऑफ अवध, वाजिद अली शाह। हुआ ये था, जैसे कि हमने डलहौजी की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था, इस पॉलिसी के अंडर अगर कोई इंडियन स्टेट अपनी स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से नहीं रन कर सकती, यानी मिसरूल रहता है स्टेट में, ओवरऑल डिसऑर्डर रहता है स्टेट में, तो भी वो स्टेट को एनेक्स कर लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डलहौजी एनेक्सेशन पॉलिसी और एक्सपेंशन पॉलिसी। तो इसी वजह से जो अवध और अवध स्टेट को भी एनेक्स कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एंड नवाब वाजिद अली शाह को कैलकटा भेज दिया जस्ट एक साल पहले रिवोल्ट के। तो ये रीजन बना एनेक्सेशन ऑफ अवध, जिसकी वजह से लखनऊ में, यानी अवध रीजन है यहाँ पे, बेगम हजरत महल के लीडरशिप के अंडर यहाँ पे रिवोल्ट हुआ था 1857
1947 में, जो सबसे पहले यहाँ पे ब्रिटिश कमिश्नर बनाया गया, ही वॉज जैक्सन। एंड जैक्सन के बाद 6 वीक पहले ही जो ब्रिटिश कमिश्नर रेजिडेंट एट लखनऊ जो बने, ही वॉज सर हेनरी लॉरेंस। सो ही वॉज द चीफ कमिश्नर ओवर देयर इन लखनऊ। जब यहाँ पे रिवोल्ट फैला, जब विद्रोह फैला, तो हेनरी लॉरेंस ने अपने यूरोपियन सिटीजन्स और कोई 2000 जो ब्रिटिश सोल्जर्स जो साथ दे रहे थे ब्रिटिशर्स का, उनको लेके रेजिडेंसी में शरण ली। ही टुक अ श्राइन, बट इंडियन सोल्जर्स ने रेजिडेंसी पर अटैक कर दिया। यू कैन सी इन द पिक्चर, दे अटैक इन द रेजिडेंसी। तो ये रेजिडेंसी, अगर आप कोई लखनऊ जाओगे, अगर कभी आपको मौका मिलता है, और थ्रू इंटरनेट यू कैन सी कि अभी भी उनके दीवारों में गोला बारूद जो उस टाइम पे यूज किया गया था, वो निशान अभी भी हैं, वो गड्ढे अभी भी बने हुए हैं उन वॉल्स पे। एंड एक म्यूजियम भी वहाँ बनाया गया है कि किस तरह से ओवरऑल रिवोल्ट और ओवरऑल अटैक हुआ था रेजिडेंसी पे, जहाँ पे उस टाइम पे ब्रिटिश चीफ कमिश्नर ने शरण ली थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्ट। और इसी घेरे में हेनरी लॉरेंस की भी मृत्यु हो गई। और आफ्टर हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश ने कमांड अपने अंडर ली एंड ही ट्राई टू प्रोटेक्ट ब्रेवली रेजिडेंसी, द रेजिडेंसी एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। और ब्रिगेडियर इंग्लिश की हेल्प करने के लिए 25 सितंबर 1857 को सर हेनरी हैवलॉक एंड सर जेम्स आउटरम भी ब्रिगेडियर की हेल्प करने के लिए रेजिडेंसी पहुंचे। एंड इन तीनों ने, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हैवलॉक एंड आउटराम ने, इन्होंने पूरा ट्राई किया लखनऊ पर फिर से कंट्रोल पाने का। एंड फाइनली 21 मार्च 1858, आप देख सकते हैं कब शुरू हुआ था, 30 मई 1857 को रिवोल्ट शुरू हुआ। 21 मार्च 1858 को ही जो न्यू कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैंपल ने गोरखा रेजिमेंट की हेल्प ली, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस गोरखा रेजिमेंट दे वर एबल टू कैप्चर बैक दी लखनऊ। तो दे वर एबल टू सप्रेस द लखनऊ रिवोल्ट विद द हेल्प ऑफ द गोरखा रेजिमेंट। एंड Who was the main person in the Gorkha regiment who helped Colin Campbell? He was Jung Bahadur. Jung Bahadur, जो कि एक powerful गोरखा सेना के नायक थे। He was powerful commander of गोरखा army. So he helped Colin Campbell to recapture the Lucknow. So ये पूरा एक कोर्स रहा कि किस तरह से लखनऊ में क्या रीज़न था। हमने यहाँ पे रीज़न पढ़ा कि रीज़न क्या रहा लखनऊ रिवोल्ट का, किस तरह से ये रिवोल्ट स्प्रेड हुआ था, लीडर कौन था इस रिवोल्ट का, एंड फिर किस तरह से ये रिवोल्ट सप्रेस हुआ था, इसके बारे में हमने अभी लखनऊ के रिवोल्ट में पड़ा। आफ्टर दिस, लखनऊ में तो रिवोल्ट 30 मई 1857 को शुरू हुआ था, कानपुर में रिवोल्ट शुरू हुआ था 5 जून 1857 को। यहाँ पे रिवोल्ट के लीडर रहे, नेतृत्व किया था नाना साहेब ने, ही वॉज द प्रोक्लेम्ड पेशवा। नाना साहेब कौन थे? ही वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ एग्जाइल मराठा पेशवा बाजीराव टू, जो बिठूर में रह रहे थे, जो कि एक पेंशनर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। नाना साहेब का रियल नेम, ही बॉर्न एज दोंधू पंत एंड ही वॉज अडॉप्टेड सन। पेशवा बाजीराव टू को, मराठा पेशवा को 1818 में ही वॉज एग्जाइल टू बिठूर। इनको वार्षिक पेंशन मिलती थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, परंतु 1851 में पेशवा बाजीराव टू की डेथ हो गई। ही डाइड इन 1851 और उन्होंने ओवरऑल जो अधिकार दिया था, जो नेक्स्ट पेशवा डिक्लेयर किया था, ही वॉज नाना साहिब। ही वॉज अडॉप्टेड सन, तो इसीलिए कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया टू कंटिन्यू द पेंशन आफ्टर हिज फादर्स डेथ। एंड यही रीजन रहा, दिस वॉज द रीजन कि नाना साहिब को वॉज नॉट प्रोक्लेम्ड एज द पेशवा एंड पेंशन वॉज नॉट गिवन। दिस वॉज द रीजन ऑफ रिवोल्ट एंड बिकॉज ऑफ विच ही वॉज नॉट हैप्पी विद द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ही वॉन्टेड टू सीक फ्रीडम फ्रॉम द कंपनी रूल। तो एक असंतोष की वजह जो रही, जिसकी वजह से कानपुर में नाना साहिब के अंडर रिवोल्ट हुआ था, वो यही था कि नाना साहिब को पेंशन अपने फादर की डेथ के बाद नहीं मिली। एंड एट दैट टाइम द ओवरऑल कमांडर इन कानपुर वॉज ह्यू मैसी व्हीलर। कानपुर, जो कि नाम पहले बोला जाता था, नाउडेज वी कॉल इट एज कानपुर। एंड मेजर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 5th जून 1857 को।
कमांडर जब यहाँ पे विद्रोह हो रहा था, उपद्रव हो रहा था, वॉयलेंस फैला हुआ था, उस टाइम पे व्हीलर ने एक कैंप इस्टेब्लिश किया जहाँ पे सभी अंग्रेज वासियों को, यूरोपियन सिटीजन्स को और जो भी साथ दे रहे थे, उन्होंने इस कैंप में शरण ली। लेकिन रिवोल्टर्स ने यहाँ पे भी अटैक कर लिया और घेरा डाल लिया। और 25 जून को फिर नाना साहेब ने एक मैसेंजर भेजा इस शिविर में, इस कैंप में, और एक ऑफर दिया, एक डील करी कि अगर जनरल व्हीलर आत्मसमर्पण कर देते हैं और कानपुर छोड़ देते हैं तो अंग्रेजों को बिना किसी हानि के इलाहाबाद जाने दिया जाएगा, ओनली ऑन दी बेसिस कि वो सरेंडर कर दे। तो ही ऑफर्ड द सेफ पैसेज टू इलाहाबाद, ये 25 जून को दिया था। एंड इसके बाद 27 जून को जनरल व्हीलर ने सरेंडर कर दिया, और जैसे कि प्रॉमिस था कि ब्रिटिशर्स विल बी पास ऑन सेफली टू इलाहाबाद। और फिर 27 जून को एक इंसिडेंट हुआ जिसे हम चौरा घाट इंसिडेंट या सतचौरा घाट इंसिडेंट भी कहते हैं। जब ब्रिटिशर्स बोट में चढ़ के इलाहाबाद के लिए रवाना हो रहे थे तो कुछ सोल्जर्स ने उनके ऊपर गोलीबारी करनी शुरू कर दी, और जिसमें जितने भी अंग्रेज थे उनमें से मैक्सिमम मारे गए। इवन व्हीलर, उसकी वाइफ और एल्डर डॉटर, उनकी भी हत्या इस इंसिडेंट में हो गई। एंड जो बचे हुए कुछ अंग्रेज, कुछ बच्चे और विमेंस, उनको बीबीगढ़ नाम के एक स्थान में प्रिजनर तौर पे रखा गया। और ये इतना वायलेंट रिवोल्ट था कि इवन द विमेन एंड चिल्ड्रन ओवर देयर वर किल्ड बाय द नाना साहिब सोल्जर्स। तो ओवरऑल सिर्फ 4 ब्रिटिश सोल्जर्स दे मैनेज टू रीच सेफली इलाहाबाद। सो कितना वायलेंट रहा था रिवोल्ट ऑफ 1857। तांत्या टोपे, हु वॉज द सन ऑफ पांडुरंग राव टोपे, और जिनका रियल नेम था रामचंद्र पांडुरंग, इन्होंने हेल्प किया था नाना साहेब को। ही वॉज द सन ऑफ पांडुरंग राव टोपे, हु वॉज नोबल एट द कोर्ट ऑफ पेशवा बाजीराव टू। सो ही वॉज अ कोर्टियर, कोर्ट में एक नोबल थे। जब बाजीराव टू को भेज दिया गया बिठूर में, तब उनके साथ उनके नोबल पांडुरंग राव टोपे भी बिठूर सेटल हो गए अपनी फैमिली के साथ। सो तात्या टोपे ने पूरा साथ दिया नाना साहिब का, एंड लेटर ही बिकेम द दीवान इन द नाना साहिब कोर्ट। तो शुरू से ही नाना साहिब के कोर्ट में तात्या टोपे रहते थे। ही हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस ओवर देयर इन कोर्ट। एंड इनका एक मेजर टैप था, वो था ये गुरिला वॉरफेयर, जो मराठास की गुरिला वॉरफेयर है उसमें बहुत एफिशिएंट थे तांत्या टोपे। सो जो हमने इंसिडेंट और मासेकर की बात करी अभी पीछे, सतचौरा घाट एंड बीबीगढ़ मासेकर, उसके बाद ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने ये ठाना कि दे विल टेक द रिवेंज, वो बदला लेंगे इस चीज़ का। और उन्होंने 19 जुलाई को जनरल हैवलॉक, जिन्होंने कमांड ली पूरी सेना की अपने कंट्रोल में, बिठूर में अपना ऑपरेशंस कैरी ऑन किया। उन्होंने नाना साहिब का पैलेस जो बिठूर में था उसको ऑक्यूपाई किया। जितने भी नाना साहिब की आर्टिलरीज थी, गन्स, एलिफेंट्स, कैमल्स को भी सीज कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया और पैलेस में आग लगा दी। सो दे टुक द रिवेंज लाइक। ये स्टोरी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। नाना साहिब ने 19 नवंबर को ट्राई किया था ओवरऑल सब रूट्स पे अपना कंट्रोल करने का, लेकिन फिर भी नाना साहिब की फोर्सेस को कॉलिन कैंपल के अंडर, जिसने पीछे लखनऊ में अपना कंट्रोल किया था विद द हेल्प ऑफ गोरखा रेजिमेंट, कॉलिन कैंपल के अंडर 6 दिसंबर 1857 को कानपुर में फिर से अपना कंट्रोल कर लिया। उसके बाद तात्या टोपे ही जॉइंड रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो ही जॉइंड रानी लक्ष्मीबाई इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नाना साहिब डिसअपीयर्ड, एंड बाय 1859 ये रिपोर्ट से अकॉर्डिंग टू दैट ही फ्लेड टू नेपाल, एंड दिस वॉज द एंड ऑफ रिवोल्ट विच टुक प्लेस इन कानपुर। आफ्टर दैट रिवोल्ट टुक प्लेस इन झांसी। झांसी रीजन है बुंदेलखंड रीजन यूपी में। यहाँ पे जो लीडर रही रिवोल्ट की वो थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, शी वॉज द विडो ऑफ महाराजा ऑफ झांसी, राजा गंगाधर राव नेवालकर। हुआ ये था कि जब नवंबर 1853 में महाराजा ऑफ झांसी इनकी मृत्यु हो गई, तो इस वक्त झांसी का कोई भी वारिस नहीं था। तो फिर दामोदर राव को अडॉप्ट किया गया, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंडर द गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलॉजी, उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया डॉक्ट्रिन ऑफ
लैप्स, मतलब एडॉप्टेड सन जो है उनको रियल उत्तराधिकारी नहीं माना गया एंड इट रिजेक्टेड दामोदर राव's क्लेम टू द थ्रोन एंड दे एनेक्स्ड द स्टेट. तो झांसी के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया गया एंड झांसी वॉज एनेक्स्ड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी. एंड 1854 में लक्ष्मीबाई शी वॉज गिवन पेंशन 60,000 रुपये दिए और एनुअल पेंशन 5,000 की और फोर्ट को छोड़ना, फोर्ट एंड पैलेस को छोड़ने का ऑर्डर रानी लक्ष्मीबाई को दिया गया. और यही रीज़न रहा, दिस वॉज द रीज़न ऑफ रिवोल्ट इन झांसी. उस वक्त पे सर ह्यू रोस बुंदेलखंड के साउथ रीजन में रिवोल्ट को सप्रेस कर रहे थे और जब यहाँ पे उपद्रव फैला, जब विद्रोह फैला झांसी में बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, तो उन्होंने कमांड अपने अंडर ली ब्रिटिश फोर्सेस की एंड ही डिमांडेड द सरेंडर ऑफ द सिटी एंड ही सेड कि अगर सिटी को सरेंडर नहीं किया गया तो ओवरऑल ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होगा वहाँ के लोगों के लिए, सिटी के लिए. एंड जब ह्यूरोज ने यहाँ पे अटैक किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने डिफेंड किया था झांसी को अगेंस्ट द ब्रिटिश ट्रूप्स ऑन 23 मार्च 1858. बट यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई एंड शी हैड टू गो टू कल्पी विथ फ्यू ऑफ हर गार्ड्स. एंड कल्पी रीजन को रानी लक्ष्मीबाई ने ऑक्यूपाई कर दिया एंड ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टू डिफेंड फ्रॉम दिस रीजन. बट यहाँ पे भी 22 मई 1858 को अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर दिया, दे अटैक्ड कल्पी. अब रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ ग्वालियर पहुँची. सो सबसे पहले झांसी, देखिए कोर्स कैसा रहा, झांसी से कल्पी, कल्पी से फिर ग्वालियर एंड नाउ शी ट्राई टू डिफेंड द स्ट्रैटेजिक फोर्ट, द ग्वालियर फोर्ट. बट ग्वालियर का जो राजा था सिंधियास, दे वो विद इंग्लिश पीपल, वो अंग्रेज़ों के एक तरह से भक्त थे. हालांकि ग्वालियर में रेबल्स ने दे ऑक्यूपाइड द सिटी विदाउट ऑपोजिशन एंड इन्होंने प्रोक्लेम किया नाना साहिब को एज पेशवा विद राव साहिब एज एज गवर्नर इन ग्वालियर. जब तक रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे रही, शी ट्राई टू परसुएड एवरीवन कि हर कोई एकजुट होके अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ रिवोल्ट करे, बट वो अनसक्सेसफुल रही इसमें. आफ्टर विनिंग मुराद रीजन ऑन 17 जून वाइल प्रोटेक्टिंग द ग्वालियर फोर्ट, रानी लक्ष्मीबाई लेड डाउन हर लाइफ. शी फाउट वेरी ब्रेवली, बहुत बहादुरी के साथ रानी लक्ष्मीबाई इस जंग में लड़ी. 17 जून 1858 को वाइल प्रोटेक्टिंग द ग्वालियर फोर्ट, रानी लक्ष्मीबाई लेड डाउन हर लाइफ फाइटिंग ब्रेवली. एंड इसके बाद ह्यूरोज ने झांसी के ऊपर अपना अधिकार कर लिया. सो शी वॉज, शी फाउट सो ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बट फाइनली शी हैड टू ले डाउन हर लाइफ वाइल प्रोटेक्टिंग झांसी. आफ्टर द डेथ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर कैरी ऑन रखी एंड बाद में ये नेपाल चले गए. एंड बिकॉज ऑफ वन ऑफ द ऑफिशियल मानसिंह, आई टोल्ड यू कि जो ग्वालियर के जो राजा थे देवर विद द इंग्लिश, इनके विश्वासघात की वजह से तात्या टोपे पकड़े गए एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 18 अप्रैल 1859. इनको फांसी दे दी गई. सो दिस वॉज द रिवोल्ट which took place in Jhansi and how it was suppressed. General Heroes was the major person who suppressed the revolt in Jhansi. तो ये questions जो हैं ये important हैं. सबसे पहले कि किसकी कमांडशिप में झांसी का रिवोल्ट सप्रेस हुआ, इसी तरह किसकी कमांडशिप में लखनऊ में सप्रेस हुआ, किसकी कमांडशिप में कानपुर में सप्रेस हुआ, कौन लीडर था रिवोल्ट का फ्रॉम द इंडियन साइड, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. इसके बाद बिहार में जो रिवोल्ट हुआ था, इट टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ कुंवर सिंह. कुंवर सिंह ही वॉज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स जिन्होंने नेतृत्व किया था 1857 के रिवोल्ट में. ही वॉज 75 ईयर्स ओल्ड राजपूत राजा ऑफ जगदीश. ये एक बहुत बड़े जमींदार थे लेकिन इनकी आर्थिक हालात जो थे उस वक्त ठीक नहीं थे. इसी वजह से वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स की हेल्प से उनकी जमींदारी का प्रबंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंप दिया जाए, लेकिन उनके इस प्रपोजल को नहीं माना गया. दिस वॉज द रीजन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन इन बिहार, बिकॉज इसी वजह से इनकी कंडीशन इतनी बिगड़ गई, इतनी दिवालिया कंडीशन हो गई इनकी, कि सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल था. जो सबसे पहला विद्रोह हुआ था 25 जुलाई को, कुंवर सिंह के बारे में ये कहा जाता है ही फाउट वेरी ब्रेवली एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम
एक रिवोल्ट में, इन इस रिवोल्ट में, एंड ही वॉज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स जो 1857 के जितनी भी जगहों पर रिवोल्ट हुए थे और जितने भी लीडर रहे, ही वॉज ओल्डेस्ट अमंग ऑल. ही वॉज 75 ईयर्स ओल्ड, राजा ऑफ जगदीशपुर. और 29 जुलाई को कोई 400 लोगों को भेजा गया, सैनिकों को भेजा गया इस रीजन में रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, लेकिन इस पूरी फोर्स से लड़के रेबल्स दे वर विक्टोरियस. कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता था, टाइगर ऑफ बिहार. ही वॉज सो ब्रेव. लेकिन इसी युद्ध में, बट इसी वॉर में, बीइंग इंजर्ड ही फाउट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी 22nd एंड 23rd अप्रैल, एंड विद द हेल्प ऑफ हिज आर्मी ही ड्रोव अवे द ब्रिटिश आर्मी, ब्रॉट डाउन द यूनियन जैक फ्रॉम द जगदीशपुर. उनका झंडा नीचे करा, यूनियन जैक जो ब्रिटिशर्स का झंडा था, और अपना फ्लैग यहाँ पे लहराया. लेकिन वो इस युद्ध में इतने इंजर्ड हो गए थे दैट व्हेन ही रिटर्न बैक अपने पैलेस वापस आए 23 अप्रैल को, ही सून डाइड ऑन 26 अप्रैल 1858. सो ही फाउट ब्रेवली. उन्होंने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ब्रदर अमर सिंह पे आई. ही ऑल्सो ट्राइड हिज बेस्ट. उन्होंने भी पूरी कोशिश की, ब्रेवली कोशिश की, एंड कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर कंसिडरेबल टाइम. उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट भी रन करी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ शाहबाद. लेकिन इन अक्टूबर 1859 अमर सिंह ही ज्वाइन द रेबल लीडर्स इन द नेपाल तराई, बट बहुत जल्द ही वॉज नॉट एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द आर्मी, ब्रिटिशर्स आर्मी. And this revolt was also suppressed. इसको भी suppress कर दिया गया. अमर सिंह इस revolt में टिक नहीं पाए, and ये revolt बिहार का भी suppress कर दिया गया. And यहाँ पे revolt को suppress करने की जिम्मेदारी जाती है William Taylor को and Major Basin Iyer को, जिन्होंने इस revolt को suppress करने में बहुत important role play किया. So this was the revolt of Bihar, जिसमें हमने इसके suppression की बात की. Then we discussed who was the leader, what was the main reason. And Bihar के अलावा जहाँ revolt हुआ वो एक important region था फैजाबाद का. फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला की लीडरशिप के अंडर ये रिवोल्ट हुआ था. मौलवी अहमदुल्ला ओन्ड अ वेरी लार्ज स्टेट. इनके अंडर एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट था. ही वॉज तालुकदार इन फैजाबाद. बट इनका जो स्टेट था ये गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया था आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध के बाद. एंड ये जो एनेक्सेशन था, दिस वॉज द रीजन ऑफ रिवोल्ट, जिसमें इन्होंने एज अ लीडरशिप पार्टिसिपेट किया. एंड इन्होंने अपनी ज़मीन को अंग्रेज़ों के हाथों से छुड़ाने की कसम खाई. ही मेड इट एज अ मिशन ऑफ हिज लाइफ, जो कि सप्रेस हुई विद हिज डेथ ओनली ऑन 5th जून 1858. हालांकि ही फाउट सो ब्रेवली कि इनके ऊपर तकरीबन 50,000 का इनाम भी रखा गया ब्रिटिशर्स ने, कि जो भी इनको पकड़ के लाएगा उसे 50,000 रुपये, उस कितना ज़्यादा अमाउंट होता था वो इन पे रखा गया. सो दीज वर वेरी ब्रेव लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. इसके बाद रोहिलखंड में रिवोल्ट हुआ. खान बहादुर खान रोहिला हु वॉज द लीडर. इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई बरेली में 1857 में. ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वितीय के नाम पर अपना शासन चलाते थे बरेली रीजन में. इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई 1857 में, एंड इन्होंने बहुत ब्रेवली फाइट किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. लेकिन व्हेन द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड, जब रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया, बरेली वाज आल्सो अनेक्स्ड. इसके बाद ये नेपाल चले गए, बट धोखे से इनको पकड़ लिया गया और इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया. एंड ही वॉज सेंटेंस टू डेथ. इनको फांसी दे दी गई ऑन Feb 24, 1860. आफ्टर दिस पंजाब रीजन में भी कुछ रिवोल्ट हुए. वे पंजाब एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था, जिसका मेन सेंटर था लाहौर में. यहाँ पे मिलिट्री अपराइजिंग हुई विच टुक प्लेस ऑन 9th जुलाई. सियालकोट रीजन के काफ़ी सिपाहियों ने रिवोल्ट किया एंड दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स दिल्ली. लेकिन जॉन निकल्सन ने इनको रास्ते में रोका अपनी ब्रिटिश फोर्स के साथ व्हेन दे वर ट्राइंग टू क्रॉस रावी रिवर, एंड जिसमें दे वर नॉट सक्सेसफुल. और एक आइलैंड में ये ट्रैप हो गए सभी सोल्जर्स, एंड जहाँ पे जॉन निकल्सन ने काफ़ी क्लेवरली करीब 1100 ट्रैप सिपाहियों को इन बैटल ऑफ त्रिमू घाट,
जो कि एक आइलैंड के नाम से ये बैटल नोन है, वहाँ पे इन सभी सिपाहियों को मार गिराया। सो दिस वाज हाउ द रिवोल्ट इन पंजाब वाज सप्रेस्ड, द मिलिट्री रिवोल्ट ओवर देयर। इसके बाद कई रिवोल्ट हुए असम में अंडर द लीडरशिप मनीराम दत्ता बरोह, पॉपुलरली नोन एज मनीराम दीवान। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू एस्टैब्लिश टी गार्डन इन असम, एंड with time they were also suppressed. Odisha mein under the leadership of Surendra Sahai, Ujjwal Shah, who was the member of ruling family over there in Sambalpur. Then Rajasthan, Kota region mein bhi revolt hue. यहाँ पे ब्रिटिश एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश मंदसौर रीजन में भी रिवोल्ट का लीडरशिप शहजादा फिरोज शाह ने किया। साउथ इंडिया में महाराष्ट्र रीजन में सतारा में भी रिवोल्ट हुआ, विच वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ रंगोजी बापूजी। बट कुछ रीजन जो बिल्कुल भी रिवोल्ट से इफेक्ट नहीं हुए, देवर लाइक बंगाल, राजपुताना, पटियाला रीजन ऑफ पंजाब, जींद इन हरियाणा रीजन, देन मेड्रास रीजन। ये जो एरियाज में जो रूलर्स थे, जो इन स्टेट्स के थे रूलर्स, उन्होंने इनफैक्ट ब्रिटिशर्स का हेल्प किया इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट एक काफ़ी बड़ा रिवोल्ट रहा, जिसमें हर टाइप के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो ट्रेडर्स हों, चाहे एजुकेटेड लोग हों, इंडियन कुछ इंडियन स्टेट्स के रूलर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। ये रिवोल्ट एक काफ़ी बड़ा रिवोल्ट था, जिसने काफ़ी वर्गों के लोगों को इफेक्ट किया था। इसके बाद रिवोल्ट को सप्रेस कैसे किया गया? अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कैप्चर किया दिल्ली को। उन्होंने पंजाब से सेना बुलवाई जो कि हेल्प करे दिल्ली के रिवोल्ट के सप्रेशन की। सर जॉन लॉरेंस ने पंजाब से अंडर द लीडरशिप, अंडर द कमांडशिप ऑफ निकल्सन, एक फौज भेजी, सोल्जर्स भेजी फ्रॉम द पंजाब रीजन। सर हेनरी बर्नार्ड एंड ब्रिगेडियर विल्सन ने इन्होंने दिल्ली रीजन को घेर लिया। निकल्सन ने कश्मीरी गेट पर अपना अधिकार कर लिया और 14 सितंबर 1857 को दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया था। बहादुर शाह, जिनको कि नॉमिनल मुगल एम्परर बने थे, जो एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर हुए थे, वो यहाँ से भाग के उन्होंने हुमायूं टॉम में शरण ली, बट लेफ्टिनेंट हडसन ने उनका पीछा करते हुए उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया। साथ में उनके दो बेटों को भी यहाँ पे गोली मार के मार दिया गया। बहादुर शाह को पकड़े जाने के बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, एंड देन अलॉन्ग विद हिज वाइफ बेगम हजरत महल, ही वॉज एग्जाइल्ड टू रंगून, एंड यहाँ पे उनको आजीवन कारावास के लिए भेज दिया गया। आफ्टर दिस 7 June 1862 को बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। सो दिस वॉज हाउ द दिल्ली रिवोल्ट, जिसको मेन सेंटर बनाया गया था रिवोल्ट का, वो ऐसे सप्रेस हो गया था 14 September 1857 को। ऑल्दो ये पार्ट हम दिल्ली के साथ भी डिस्कस कर सकते थे, बट इट वॉज द मेन सेंटर जिधर एम्परर ऑफ इंडिया था, सो वी डिस्कस्ड इट एट लास्ट। एंड हमने अलॉन्ग विद दैट हमने डिस्कस किया था, जब हमने लखनऊ के बारे में पढ़ा, दैट हाउ द लखनऊ रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड। हमने पढ़ा था कि वहाँ पे हैवलॉक और आउटराम ने अधिकार कर लिया था, देन कॉलिन कैंपल ने गोरखा रेजिमेंट की हेल्प से लखनऊ को फिर से विजित कर लिया। एंड कानपुर के बारे में भी हमने यही पढ़ा, वहां पर भी कॉलिन कैंपल ने 6 दिसंबर 1857 को पुनः अधिकार कर लिया। नाना साहेब वहां से बच के नेपाल चले गए थे, जहां से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मरते दम तक विरोध किया था। उसके बाद तात्या टोपे, जो नाना साहिब की हेल्प कर रहे थे, वो जाके रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए थे। उन्होंने वहां पे गोरिल्ला टैक्टिक्स अपना के अपना युद्ध चलते रहने दिया, और रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत वीरता पूर्वक लड़ाई करते हुए वह शहीद हो गई, वो वीर गति को प्राप्त हुई, और झांसी पर जनरल ह्यूरोज ने दोबारा अधिकार कर लिया। इलाहाबाद बनारस में भी विद्रोह हुए थे, यहाँ पे कर्नल नील द्वारा उसको सप्रेस कर दिया गया। फैजाबाद में जनरल रेनार्ड द्वारा विद्रोह को
सप्रेस कर दिया गया। और जगदीशपुर के बारे में तो हमने पढ़ा ही है कि यहाँ बिहार, जगदीशपुर यानी कि बिहार, यहाँ पे विलियम टेलर ने फिर से अधिकार स्थापित किया। और इस प्रकार जितनी भी जगहों पे रिवोल्ट हुए थे विद टाइम उन सबको सप्रेस कर लिया गया। सो दिस वॉज द इवेंट कि किस तरह से रिवोल्ट शुरू हुआ था सिपाही म्यूटनी नाम से। ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोला गया ये शुरू हुआ दिल्ली से, लखनऊ से, कानपुर से, झांसी से। जैसे जैसे ये फैलते गए हमने उसके बारे में पढ़ा और वहाँ पे क्या गतिविधियाँ रही, उनके लीडर्स की क्या पॉलिसीज रही थी, रिवोल्ट के लीडर्स की क्या पॉलिसी रही और किस तरह से इन रिवोल्ट्स को इन प्लेसेस पे सप्रेस कर दिया गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इवेंट्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। द नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेस कि आफ्टर ऑल इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ क्यों था, ये जितनी भी गतिविधियाँ हुई ये क्यों हुई थी। हालांकि हमने हर स्टेट के इंडिविजुअल रीजंस की बात की थी लेकिन ओवरऑल जो स्थिति रही थी, जो पॉलिटिकल और सोशल और भी टाइप के रिलीजियस कॉजेज रहे, बिकॉज हमने सिर्फ स्टेट रूलर्स की बात की है यहाँ पे, लेकिन लोगों ने क्यों पार्टिसिपेट किया, भारत वासियों ने क्यों पार्टिसिपेट किया, क्या सिर्फ ग्रीस्ड कार्ट्रिज रीजन था सिपाही म्यूटनी का, ये भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, द रिवोल्ट ऑफ 1857 भाग एक, बिगिनिंग स्प्रेड एंड सप्रेशन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 पार्ट 1। थैंक यू वेरी मच।